हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया लोकेशन में आए हैं। नाम है थंगसनिंग फॉल, जो स्मिथ विला से लेफ्ट साइड से जाना पड़ता है। स्मिथ विला से आपका 3 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम आज फॉल देखते हैं, चलो। तो दोस्तों, यहाँ पे बाइक आप ला सकती हो, यहाँ तक बाइक आ जाएगा और इसके नीचे हमें स्टेप से जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक क्या बोलते हैं, सेट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट थोड़ा सा स्टेप आने के बाद दूसरा एक स्पॉट है, नो लिटरिंग, कीप इट क्लीन। तो शिलोंग जो सिटी है क्लीन है, तो यहाँ पे हर जगह आपको जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे लिखा मिलेगा कि आप यहाँ गंदा मत करो। बहुत बढ़िया आएगा, नीचे वाटरफॉल है, नीचे तक जाएंगे, ठीक है। आप सावधानी से आना पड़ेगा, उसका स्टेप जो है ना बहुत स्टीप है, डाउन में जा रहा है। प्री इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी प्री इंडिपेंडेंस डे। तो प्री इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर थंगसनिंग फॉल आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर फॉल है ये। स्मिथ विला में है और आपको जब हम लाइटलूम जाते हैं वहां से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है। हालांकि 1 किलोमीटर पहले ही आपको गाड़ी रोकना पड़ेगा, 4 व्हीलर आप ला नहीं सकते, रोड थोड़ा ख़राब है और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का कुछ है नहीं, पता नहीं ये टूरिस्ट स्पॉट शायद इसको डिक्लेयर नहीं किया होगा अभी तक, और अनएक्सप्लोर्ड है, मे बी अनएक्सप्लोर्ड। और यहाँ पे जो आप मोटरसाइकिल लेके आ सकते हो यहाँ पे, है ना। तो बहुत सुंदर है, आप फॉल देख सकते हो, हाइट लगभग 50 मीटर का होगा। और पानी देखो आप, बहुत ही सुंदर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप नीचे देखो कितना क्लियर पानी है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ नहाऊँ, नहा भी सकते हैं, यहाँ पे पानी गहरा नहीं है। हाँ, जहाँ गिर रहा है पानी वहाँ शायद गहरा हो, लेकिन बाकी जगह तो गहरा नहीं है। थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर से कैसा लगेगा। सुंदर वाटरफॉल है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है ये, अनएक्सप्लोर है, बहुत ही कम लोग आते हैं, टूरिस्ट बहुत ही कम, बहुत ही सुंदर है, बहुत। आप पक्का ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। होप
you enjoy my video and like it. You have also full enjoy shooting this place. I strongly recommend you to visit Thangsmin Falls and explore the unexplored places of Meghalaya. This waterfall is approximately 30 km from Shillong City and barely take 1 hour to reach. Thanks for watching my video. Bye bye. जय माता दी। कोई भी आगे आ जाए। जय माता दी।